हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अप टू इनफिनिटी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉनिक सेक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस 1 इज अ टेंजेंट टू द पैराबोला। पैराबोला गिवन है हमें y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इफ m की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये जो लाइन है ये इस पैराबोला की टेंजेंट लाइन है और हमें यहां m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पैराबोला की जो टेंजेंट लाइन होती है, जनरल इक्वेशन क्या होती है उसकी, टेंजेंट ऑफ पैराबोला होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए ओवर m। ए जो हमारे पास, अगर जनरल इक्वेशन लिखें y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है, तो यहां से हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये जो लाइन होगी, ये टेंजेंट लाइन होगी किसी भी पैराबोला की, ये जनरल इक्वेशन है। तो हम यहां से वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं, ये भी टेंजेंट है तो कंपैरिजन कर लेते हैं इन दोनों का। तो यहां a ओवर m इज इक्वल टू 1, अगर कंपेयर करें तो a ओवर m इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, देन यहां से a इज इक्वल टू m हो जाएगा। हमें m की वैल्यू चाहिए थी, अगर a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो m की वैल्यू आ जाएगी और यहां से हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जनरल इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4a, हमारे पास 4 गिवन है तो a की वैल्यू यहां 1 है, तो यहां से m की वैल्यू 1 आ जाएगी एंड ऑप्शन a यहां से करेक्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखनी है जनरल इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ पैराबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन इलिप्स द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकाई इज 6 एंड इट्स माइनर एक्सिस इज 8, देन इट्स इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। अगर हम जनरल इलिप्स लेते हैं, ये इस तरह से अगर जनरल इलिप्स लेते हैं तो यहां फोकस हो जाता है ये, और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे पास ए ई 0 और ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस ऑफ ए ई 0 एंड जो इनके बीच का डिस्टेंस होता है ये एक्सिस पे ही है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये ए ई हो जाएगा एंड ये भी ए ई हो जाएगा, तो दोनों फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 2 ए ई हो जाएगा विच इज इक्वल टू 6। तो यहां ये 6 गिवन है हमें, तो ए ई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी है ये ई एंड माइनर एक्सिस इज 8, तो माइनर एक्सिस ये हो जाएगी, ये मेजर एक्सिस होती है, ये माइनर एक्सिस होती है। अगर हम जनरल इक्वेशन लेते हैं एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन बी इज द माइनर एक्सिस, तो ये हो जाती है 2b, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b इज इक्वल टू 8 एंड b की वैल्यू यहां 4 हो जाएगी। अब हमारे पास एक रिलेशन होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ए की वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास, तभी हम यहां पुट करके ई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू हम यहां से फाइंड आउट करेंगे, इसे लिख लेते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो यहां ए ई की वैल्यू है हमारे पास एंड बी की भी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 9, देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो जाएगा और ए इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। यहां रख देते हैं 5e इज इक्वल टू 3 और यहां से e की वैल्यू आ जाएगी 3/5 एंड ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 4x प्लस सी इज अ टेंजेंट टू इलिप्स, इलिप्स की इक्वेशन दी है x स्क्वायर ओवर 8 प्लस y स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू 1 और हमें
सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन दिए हैं प्लस माइनस फोर, प्लस माइनस सिक्स, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस एट एंड प्लस माइनस रूट 132। पांच ऑप्शंस हैं। जो इलिप्स है उसकी टेंजेंट इक्वेशन क्या होती है, वाई इज इक्वल टू, जनरल इक्वेशंस हैं ये, ध्यान रखनी पड़ेंगी क्योंकि टाइम नहीं होता ना फाइंड आउट करने का, तो ये जनरल इक्वेशन माइंड में रखो ताकि कैलकुलेशन ना करनी पड़े। ये यहां प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो जाता है। तो वैल्यू ले लेते हैं, y इज इक्वल टू, अगर कंपैरिजन करें, ये टेंजेंट इक्वेशन है, जनरल टेंजेंट इक्वेशन, और ये हमें गिवन है इस इलिप्स की टेंजेंट इक्वेशन। तो कंपैरिजन करें, c ये है हमारे पास और mx ये है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, एंड a स्क्वायर चाहिए एंड b स्क्वायर चाहिए। a स्क्वायर है हमारे पास 8 एंड b स्क्वायर है हमारे पास 4। यहां वैल्यू रखते हैं, सी की वैल्यू ये है, तो हमें यही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हो जाएगा 4x प्लस माइनस ए स्क्वायर है 8 एंड एम स्क्वायर 16 हो जाएगा, एंड ये हुआ 128 प्लस बी स्क्वायर 4। तो y इज इक्वल टू 4x प्लस माइनस यहां हो जाएगा 132। कंपेयर करेंगे तो यहां c की वैल्यू प्लस माइनस रूट 132 हो जाएगी और ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर, पैराबोला गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस एट वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और हमें लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ये क्वाड्रेटिक इन एक्स है, तो यहां कंप्लीट स्क्वायर बना लेते हैं एक्स के अंदर, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशियंट 4, 4 का हाफ करेंगे 2, 2 का स्क्वायर 4, देन 4 ऐड करेंगे एंड 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 8y प्लस 12 ये हो जाएगा, और ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा एक्स माइनस 2 स्क्वायर एंड माइनस 8y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 8y माइनस 8 एंड x माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 एंड y माइनस 1। तो अगर हम इसे कैपिटल x लिख लें और इसे कैपिटल y, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y ये हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगी पैराबोला की। तो अगर हमारे पास पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay इस तरह से गिवन होता है, तो लेंथ क्या होती है लेटेस्ट रेक्टम की, 4a, 4a इज द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एंड हमारे पास 4a क्या है 8, तो 8 यहां पे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगी एंड ऑप्शन सी यहां करेक्ट हो जाएगा। लेकिन लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए एक शॉर्टकट होता है, तो शॉर्टकट देखते हैं। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इन एक्स हो, क्वाड्रेटिक इन एक्स गिवन हो, तो सबसे पहले चेक करना है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है वो 1 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इन वाई है तो कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर 1 होना चाहिए, अगर 1 नहीं है तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड करके यहां 1 बनाओ, एंड देन अब एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है देन कोफिशियंट ऑफ वाई जो होगा वो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होगी। जैसे वैसे क्वेश्चन शॉर्टकट से ठीक रहता है लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना ही चाहिए। यहां क्वाड्रेटिक इन एक्स है तो लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ होगी वो वाई का कोफिशियंट हो जाएगी, यानी माइनस ऑफ 8। लेंथ है तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो यहां मोड लगा देते हैं तो ये 8, बस ये सीधा ही पता चल जाता है। और अगर क्वाड्रेटिक इन वाई स्क्वायर है, यहां वाई होता, जैसे ये इसी को लिखते हैं वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 8x प्लस 12 इस तरह से होता, तो यहां लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या हो जाती, कोफिशियंट ऑफ एक्स। सबसे पहले ये देखना है कि कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर या फिर वाई स्क्वायर ये 1 होना चाहिए। अगर यहां 5 होता तो हम पूरे इक्वेशन को पहले 5 से डिवाइड करते, यहां 4 ओवर 5 हो जाता, यहां 8 ओवर 5 हो जाता एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फिर 8 ओवर 5 हो जाती। तो ये ध्यान रखना है इसका कोफिशियंट 1 होना चाहिए, एंड जिसमें क्वाड्रेटिक है वो नहीं लेना, जो दूसरा वेरिएबल होगा उसका जो
कोफिशियंट होगा वो लेटस रेक्टम की लेंथ हो जाएगी। तो ये शॉर्टकट होता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम के लिए। तो यहां से ऑप्शन सी करेक्ट बनेगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ इट्स डायामीटर। तो डायामीटर की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और जो ये सर्कल है ये 0 0 से पास कर रहा है। तो जो डायामीटर होगा किसी भी सर्कल का, अगर हम डायामीटर लेते हैं तो वो सेंटर से तो पास करता ही है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर देख लेते हैं एंड उसके बाद सेटिस्फाई करवा देते हैं। सेंटर के कोऑर्डिनेट बनेंगे माइनस हाफ ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स, माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, एंड माइनस हाफ ऑफ कोफिशियंट ऑफ वाई, देन ये माइनस ऑफ 1 हो जाएगा। तो ये सेंटर आ जाएगा। डायमीटर जो भी होगा वो सेंटर से पास करेगा, तो इसका मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स सेटिस्फाई करेंगे। तो देख लेते हैं बाय ऑप्शंस कि कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। तो ऑप्शन 1 लेते हैं, एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 0, यहाँ 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यही सेटिस्फाई हो रही है। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी भी देख लेते हैं, x प्लस वाई 0 सेटिस्फाई नहीं होगा, यहाँ 3 ये माइनस 1 है तो 3 माइनस 1 हो जाएगा विच इज 2 नॉट 0, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। एंड ऑप्शन सी x इज इक्वल टू वाई ये भी गलत हो गया, एंड 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 9 माइनस 1 8 नॉट इक्वल टू 0, सो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए यहां करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ई एंड ई डैश बी द इसेंट्रिसिटीज ऑफ अ हाइपरबोला एंड इट्स कंजुगेट, देन हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 ओवर ई स्क्वायर प्लस 1 ओवर ई डैश स्क्वायर। तो ई इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला की है, हाइपरबोला एंड कंजुगेट हाइपरबोला ये होता है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हाइपरबोला हो गया, एंड माइनस यहां आ जाए तो ये कंजुगेट हाइपरबोला हो जाता है, ये प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो इसकी इसेंट्रिसिटी ई दे रखी है और इसकी सेंट्रिसिटी ई डैश दे रखी है। रिलेशन होता है ए बी एंड ई के अंदर, तो इसके लिए बनेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड ई स्क्वायर माइनस 1। इलिप्स में 1 माइनस ई स्क्वायर होता है और हाइपरबोला में ई स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि यहां इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है और इलिप्स की लेस देन 1। ई हाइपरबोला के लिए ग्रेटर देन 1, इलिप्स के लिए लेस देन 1, एंड पैराबोला के लिए इज इक्वल टू 1, ये हाइपरबोला, ये इलिप्स एंड ये पैराबोला के लिए। तो ये इस तरह होती हैं। यहां से हमारे पास ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर हो जाएगा, एंड बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर हो जाएगा। 1 ओवर ई स्क्वायर चाहिए हमें, तो यहां ए स्क्वायर ऊपर हो जाएगा। और इसके लिए क्या रिलेशन बनेगा, यहां ए स्क्वायर हो जाएगा, नेगेटिव वाला आगे है ना, ये बनेगा बी स्क्वायर ई डैश स्क्वायर माइनस 1, इसकी सेंट्रिसिटी ई डैश ली है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ई डैश स्क्वायर। तो यहां ई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, एंड 1 ओवर में लिख के एड करना है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 1 ओवर ई स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ई डैश स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये यहां 1 हो जाएगा एंड ऑप्शन बी यहां करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इक्वेशन एक्स स्क्वायर ओवर 12 माइनस लैम्डा प्लस वाई स्क्वायर ओवर 8 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट्स अ हाइपरबोला एंड इलिप्स अ हाइपरबोला। ये लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज के लिए चेक करना है कि क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा या हाइपरबोला बनेगा।
यहां ये तो जीरो से बड़ा ही रहेगा, 12 माइनस लैम्डा इलिप्स बनेगा तो भी ये ग्रेटर देन जीरो होगा, और हाइपरबोला बनेगा तो भी ग्रेटर देन जीरो। तो 12 माइनस लैम्डा ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, तो 12 ग्रेटर देन लैम्डा यानी लैम्डा लेस देन 12 होगा। और यहां इलिप्स के लिए चेक करें तो 8 माइनस लैम्डा को ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता तो इसे ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा, 8 ग्रेटर देन लैम्डा हो जाएगा। लाइन पे देखते हैं ड्रॉ करके, तो यहाँ ये 8 है, ये 12 ले लेते हैं, तो लैम्डा लेस देन 12, तो लेस देन 12 इसका मतलब ये पूरा आ जाएगा, एंड यहाँ लैम्डा लेस देन 8 तो ये इतना आ जाएगा। कॉमन रीजन लेना है हमें, तो यानी कि कॉमन रीजन ये आ जाएगा लैम्डा लेस देन 8 वाला, तो लैम्डा लेस देन 8 के लिए इलिप्स बनेगा, क्योंकि यहां भी पॉजिटिव यहां भी पॉजिटिव, तो यहां इलिप्स बनेगा। ऑप्शन वन, लैम्डा लेस देन 8 के लिए हाइपरबोला दिया है कि हाइपरबोला इफ लैम्डा लेस देन 8, तो ऑप्शन एक गलत हो जाएगा। चेक करते हैं हाइपरबोला के लिए, हाइपरबोला के लिए इसे नेगेटिव होना पड़ेगा, ऑप्शन ए तो यहां गलत है। 8 माइनस लैम्डा लेस देन जीरो, 8 लेस देन लैम्डा यानी लैम्डा ग्रेटर देन 8। अब लाइन पे देखते हैं ये 8 ये 12, तो लैम्डा लेस देन 12 ये पोर्शन, लैम्डा ग्रेटर देन 8 ये वाला पोर्शन, कॉमन रीजन 8 एंड 12 के बीच का आ जाएगा, तो यहाँ हाइपरबोला बनेगा 8 लेस देन लैम्डा लेस देन 12, यहाँ हाइपरबोला बनेगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो यहां ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 8 और 12 के बीच हाइपरबोला बन रहा है, तो ऑप्शन सी यहां करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स विद इट्स सेंटर एट ओरिजन, सेंटर दिया है हमें 0 0 एंड इसेंट्रिसिटी गिवन है हाफ, इफ वन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स इज एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू 4 डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है इलिप्स की, देन इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम जनरली देखें एक्स इज इक्वल टू 4 लाइन यहां से जाएगी, तो इलिप्स इस तरह से बनेगा, क्योंकि इलिप्स तो इस तरह भी बन सकता है, लेकिन फिर डायरेक्ट्रिक्स यहां से क्रॉस करती हैं, तो वाई इज इक्वल टू में दिया होता तो ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो ये इलिप्स हो जाएगा। यहां फोकस होता है ए जीरो एंड ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए जीरो, और सेंटर गिवन है हमें ये 0 0 है, इसेंट्रिसिटी हाफ दे रखी है। तो अगर हमारे पास ये वर्टिसेस आ जाते हैं तो हम बाय ऑप्शन चेक कर सकते हैं, सेटिस्फाई करा सकते हैं, क्योंकि इलिप्स की इक्वेशन को वर्टिसेस तो सेटिस्फाई करेंगे। एक्स इज इक्वल टू 4 हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है, तो हम डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं, इलिप्स की डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल टू ए ओवर ई होता है, तो हमारे पास ए ओवर ई है 4 और यहाँ ई गिवन है हाफ, देन ये ए इज इक्वल टू हो जाएगा 2, तो ए की वैल्यू आ जाएगी, ये यहाँ जो कोऑर्डिनेट होते हैं ये माइनस ऑफ ए 0 हो जाएगा एंड दिस वन ए 0 यानी कि 2 0 हो जाएगा और ये -2 0 हो जाएगा। तो जो इलिप्स की इक्वेशन होगी उसे सेटिस्फाई करेंगे, इसे पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अब ए तो हमारे पास आ गया, अब हम बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर से या तो बी की वैल्यू लें एंड देन लिखें या फिर सेटिस्फाई करा लें, तो ए की वैल्यू है हमारे पास, ये एक कोऑर्डिनेट ही ले लेते हैं और सेटिस्फाई करा देते हैं ऑप्शन से, तो क्या बनेगा, अगर एक से ज्यादा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो ये भी तो सेटिस्फाई होना चाहिए, तो दोनों सेटिस्फाई करा देंगे पता चल ही जाएगा। तो ऑप्शन ए 3x² + 4y² = 1, यहां अगर रखें वैल्यू 3 और यहाँ 2² हो जाएगा 4 + ये 0, तो 12 हो रहा है, 1 तो हो नहीं रहा, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी 3x² + 4y² = 12, तो यहाँ 4 ये 12 हो रहा है, एक बार यही रखते हैं क्योंकि एक से ज्यादा ऑप्शन भी तो करेक्ट हो सकते हैं। एंड ऑप्शन सी 4x² + 3y² = 12, यहाँ ये 4 और ये 4
फोर हो जाएगा, 16 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 12 है, ऑप्शन सी भी गलत हो गया। एंड डी, 4x² + 3y² = 1, यहां रखेंगे तो ये तो इक्वल टू 1 दे रखा है, ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन बी एक ऐसा ऑप्शन है जो इसे सेटिस्फाई करता है, तो ये इलिप्स की इक्वेशन हो जाएगी। तो इस तरह से चेक कर सकते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट बनेगा। कई बार जरूरी नहीं है कि हम फुल्ली सब्जेक्टिव वे से ही इसे सॉल्व करें, ऑब्जेक्टिव पेपर है तो ऑप्शन से जाना भी कई बार बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। तो माइंड में इजी से इजी, अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो माइंड में अपने आप इजी से इजी वे आएगा कि हम इसे इस तरह से टैकल कर सकते हैं, तो बस वही वे आना चाहिए एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द लाइन x - 1 = 0, ये लाइन है, इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, पैराबोला है y² - kx + 8 = 0, तो ये पैराबोला हो जाएगा y² = kx - 8, एंड वाई स्क्वायर यहां हम k बाहर ले लेते हैं तो x - 8/k बनेगा, और यहां से x = 1 हो जाएगा। तो अगर हम ग्राफ पे देखें, डायरेक्ट्रिक्स x = 1 गिवन है हमें, तो ये लाइन इस तरह से जाएगी, और डायरेक्ट्रिक्स अगर यहां से क्रॉस करेगी तो इसका मतलब पैराबोला कुछ इस तरह का बनेगा। अगर हमारे पास वर्टेक्स होता है पैराबोला का तो सेटिस्फाई करा देते हैं एंड देन k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन अब वर्टेक्स तो है नहीं, डायरेक्ट्रिक्स इस तरह जा रही है, जरूरी तो नहीं है कि पैराबोला इस तरह ही बने, यहां भी बन सकता है, फिर भी डायरेक्ट्रिक्स यही जाएगी। तो देख लेते हैं कि इसे किस तरह से सॉल्व करना है। डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन होती है वो x = a होती है अगर हमें y² = 4ax इस फॉर्म का पैराबोला गिवन हो, तो a की वैल्यू हमारे पास 1 है, कंपैरिजन कर दिया तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी। एंड यहाँ ये 4a होता है तो 4a = k, देन यहाँ वैल्यू रख देंगे, k = 4 आ जाएगा, और ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा लंबे वे में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 0, 1 से कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, और सर्कल की इक्वेशन है x² + y² - 2x - 4y = 0। तो वैल्यू पुट करके देखते हैं, जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किए जाएं तो उस पॉइंट को यहां पुट कर दो इक्वेशन के अंदर, क्या बनेगा, ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, और ये -4, तो यहां -3 आ गया, यानी ये नेगेटिव वैल्यू आ गई, लेस देन 0। अगर वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब ये पॉइंट इनसाइड द सर्कल है, ये सर्कल के अंदर लाई करेगा, इनसाइड द सर्कल। तो अगर ये सर्कल है उसके अंदर है पॉइंट, तो ड्रॉ तो किए ही नहीं जा सकते, तो 0 टेंजेंट हो जाएंगे, कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं किया जा सकता। पुट करेंगे, अगर इक्वल टू 0 आ जाता है तो सिंगल टेंजेंट, यूनिक टेंजेंट हो जाएगा आंसर। एंड अगर पॉइंट बाहर है यानी ग्रेटर देन 0 आ रहा है यहां आंसर, तो 2 टेंजेंट्स हो जाएंगे, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए अगर बाहर है पॉइंट तो हम एक इस तरफ कर सकते हैं और एक इस तरफ भी कर सकते हैं, तो 2 टेंजेंट हो जाएंगे, अंदर है तो कोई टेंजेंट नहीं, और अगर यहां पॉइंट बाउंड्री पे है यानी इक्वल टू 0 आ रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, तो सिंगल टेंजेंट हो जाएगा। तो यहां नेगेटिव आ रही है वैल्यू, तो 0 टेंजेंट हो जाएंगे, एंड ऑप्शन ए यहां करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सेंटर ऑफ द इलिप्स, और हमें इक्वेशन गिवन है 25x² + 9y² + 50x + 36y - 164 = 0, और हमें सेंटर फाइंड आउट करना है। सेंटर क्या होता है, x - h² / a² + y - k² / b² = 1। अगर इस फॉर्म में लिखा जाए तो यहां जो h एंड k है ये सेंटर होता है इलिप्स का, तो या तो हम x के साथ
कंप्लीट स्क्वायर बनाएं एंड वाई का भी कंप्लीट स्क्वायर बनाएं एंड देन एच एंड के की वैल्यू फाइंड आउट करें इस इक्वेशन से। या फिर इसके लिए एक शॉर्टकट होता है, डिफरेंशिएट करना है सिर्फ इस इक्वेशन को, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई को कॉन्सेंट्रेट करना है। तो क्या बनेगा, यहां 50x हो जाएगा, दिस वन जीरो और यहां प्लस 50 हो जाएगा एंड इक्वेट करना है जीरो से। तो यहां एक्स इज इक्वल टू -1 हो जाएगा एंड देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड ट्रीटिंग एक्स एज अ कॉन्स्टेंट। तो यहां एक्स को कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, यहां हो जाएगा 18y प्लस 36 इज इक्वल टू जीरो एंड वाई इज इक्वल टू -2 हो जाएगा यहां। तो ये जो एक्स एंड वाई के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -1 एंड -2, ये सेंटर हो जाएगा इस इलिप्स का। तो सेंटर फाइंड आउट करने के लिए ये शॉर्टकट होता है, डिफरेंशिएट करो एंड कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। तो ये -1 -2 सेंटर हो जाएगा एंड ऑप्शन ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द फोकाई ऑफ द इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर ओवर 16 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1 एंड इट्स सेंटर एट 0, 3। जो सर्कल है जो फोकस से पास करता है और उसका सेंटर, सेंटर ऑफ सर्कल हमें गिवन है 0, 3 एंड रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहां ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है। जो सर्कल बनेगा ये इलिप्स इस तरह से हो जाएगा, ए की वैल्यू यहां 4 एंड बी की वैल्यू 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास -4, 0 एंड दिस वन 4, 0 और ये हो जाएगा 0, 3, यही सेंटर है एंड ये हो जाएगा 0, -3 और फोकस से पास करता है, फोकस के कोऑर्डिनेट्स ये हो जाएंगे जो कि होते हैं ए ई 0। अब ए एंड ई, ए तो है हमारे पास, ई हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए रिलेशन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 - e² बहुत सारे क्वेश्चंस इसी रिलेशन से सॉल्व होते हैं तो इसे ध्यान रखना है अच्छे से। तो ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 16 1 - e² 9/16 इज इक्वल टू 1 - e² एंड ई स्क्वायर हो जाएगा 1 - 9/16 और यहां से e की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास √7/4। तो अब फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ए ई बनेगा, ए हमारे पास 4 है तो ए ई इज इक्वल टू 4 एंड √7/4। तो ये तो √7 हो जाएगा एंड कोऑर्डिनेट्स बनेंगे √7, 0 और ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा -√7, 0। तो जो सर्कल है वो यहां से पास करता है। तो देख लेते हैं कि रेडियस कितनी बनेगी। कोई सर्कल जब हम ड्रॉ करेंगे, पासिंग पॉइंट है यहां कोई -√7, 0 एंड यहां है √7, 0 और सेंटर उसका गिवन है हमें 0, 3। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ये यहां से रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं एंड रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। आर इज इक्वल टू ये हो जाएगा, इन दोनों में डिस्टेंस √7 - 0² प्लस 0 - 3² ये बनेगा यहां 7 + 9 और √16 इज इक्वल टू 4। तो 4 रेडियस हो जाएगी सर्कल की एंड ऑप्शन ए यहां करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन है y² + 4y + 4x + 2 = 0 एंड डायरेक्ट्रिक्स की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो इसे पहले लिख लेते हैं, y में कंप्लीट स्क्वायर बनेगा तो ये क्या हो जाएगा y² +
जो y का कोऑर्डिनेट है उसका हाफ करके स्क्वायर करना होता है कंप्लीट स्क्वायर के लिए, तो ये बनेगा हमारे पास 4 ऐड कर देंगे, 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और ये बन जाएगा y प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। y प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4x प्लस 2, एंड ये हो जाएगा y प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 बाहर आ जाएगा एंड x माइनस 1 ओवर 2 हो जाएगा। अब इसे हम कैपिटल y ले लेते हैं और ये कैपिटल x ले लेते हैं, तो कैपिटल y इज इक्वल टू y प्लस 2 एंड कैपिटल x इज इक्वल टू x माइनस हाफ, तो ये बनेगा हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4x। अब हम इससे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे एंड देन वैल्यूज पुट कर देंगे कैपिटल x एंड कैपिटल y की। तो ये जो पैराबोला है हमारे पास जनरल पैराबोला से अगर हम कंपेयर करें तो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4ax इस फॉर्म का है, और इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू a। तो कंपैरिजन से यहां 4a इज इक्वल टू 4 और a की वैल्यू 1 आ जाएगी, a की वैल्यू 1 है तो यहां डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बनेगी कैपिटल x इज इक्वल टू 1। यहां कैपिटल x यूज कर रहे हैं, कैपिटल y यूज कर रहे हैं, तो एक बार इसे इसी फॉर्म में लिखना है, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगी। और अब हम कैपिटल x की वैल्यू पुट कर देंगे x माइनस हाफ, तो क्या बन जाएगा x माइनस हाफ इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3 ओवर 2, तो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बन जाएगी एंड ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ द सर्कल सेंटर्ड एट 1 2, सेंटर है 1 2 एंड पासिंग थ्रू 4 6, और हमें एरिया फाइंड आउट करना है सर्कल का। तो एरिया सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहां हम रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। तो रेडियस किस तरह फाइंड आउट करेंगे, सर्कल है ये 1 2 हो जाएगा एंड पासिंग पॉइंट कोई यहां 4 6 है, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, वो रेडियस हो जाएगा r इज इक्वल टू बनेगा 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड 9 प्लस 16, तो ये √25 हो गया एंड यहाँ 5 हो जाएगा, तो एरिया बनेगा हमारे पास पाई एंड 5 स्क्वायर, तो ये 25 पाई आंसर हो जाएगा एंड ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ इंटेग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज रेडियस कैन नॉट एक्सीड 5। तो नंबर ऑफ इंटेग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यूज बतानी है, नंबर ऑफ वैल्यूज कितने लैम्डा के लिए जो ये इक्वेशन है सर्कल की उसमें रेडियस 5 से ज्यादा नहीं हो, 5 हो या फिर 5 से कम हो, ऐसी कितनी वैल्यूज हो सकती हैं लैम्डा की, और वो होने भी इंटीजर्स चाहिए। तो देख लेते हैं, रेडियस आर लेस देन इक्वल टू 5 हो तो रेडियस पहले फाइंड आउट करते हैं, यहां से सेंटर क्या बनेगा माइनस ऑफ लैम्डा ओवर 2 माइनस हाफ कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड माइनस हाफ कोफिशियंट ऑफ वाई 1 माइनस लैम्डा ओवर 2, ये सेंटर हो जाएगा। एंड रेडियस किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, रूट स्क्वायर ऑफ दिस 1, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस लैम्डा ओवर 2 स्क्वायर प्लस ये माइनस ऑफ 1 माइनस लैम्डा ओवर 2, ये स्क्वायर हो जाएगा एंड माइनस कॉन्स्टेंट टर्म सी यहां 5, तो ये बनेगा हमारे पास लैम्डा स्क्वायर ओवर 4 प्लस ये भी पॉजिटिव ही हो जाएगा, स्क्वायर ओपन कर देते हैं, ये बनेगा 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर
minus 2 lambda over 4 and minus 5. सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर ओवर 4, एलसीएम ले लेते हैं इसका, प्लस 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 20, ये डिवाइड में 4 है तो ये बन जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 19 ओवर 4. ये हमारे पास रेडियस आ जाएगी और रेडियस लेस देन इक्वल टू 5 हो तो इस इनइक्वालिटी में वैल्यू रख देते हैं तो ये बनेगा 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 19 ओवर 4 लेस देन इक्वल टू 5. स्क्वायर करते हैं ये बन जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 19 ओवर 4 लेस देन इक्वल टू 25. तो यहां से लैम्डा की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, ये बनेगा 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 19 लेस देन इक्वल टू 100. ये बनेगा 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा और 100 इस तरफ लिखेंगे माइनस 119 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा. लैम्डा की वैल्यूज ले लेते हैं, लैम्डा की वो वैल्यूज जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करें, तो उसके लिए वेवी कर्व मेथड यूज कर सकते हैं. लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले तो, क्योंकि रूट फाइंड आउट करते हैं. लैम्डा की वैल्यू किस तरह से करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, यहां हो जाएगा 4 माइनस 4 2 एंड माइनस 119 ओवर 4 हो जाएगा और ये बनेगा 2 प्लस माइनस 4 प्लस 952 ओवर 4 हो जाएगा. काफी लेंथी क्वेश्चन है. ये बनेगा हमारे पास 2 प्लस माइनस, यहां ये 956 हो जाएगा ओवर 4 एंड इसे लिख देंगे 2 प्लस माइनस 2 रूट 239 ओवर 4 एंड ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 239 ओवर 2 और 239 का रूट 15.2 होता है तो ये बनेगा 1 प्लस माइनस 15.2 ओवर 2. यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएंगी, ये बनेगा 1 प्लस 15.2 ओवर 2 एंड 1 माइनस 15.2 ओवर 2 तो यहां से 8.1 एंड यहां से माइनस 7.1. लैम्डा की दो वैल्यूज आई हैं, दो रूट्स, और इस इनइक्वालिटी को होल्ड करने के लिए लैम्डा की वैल्यूज होंगी जो इनके बीच होंगी. एक वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, जीरो इसके बीच में आ रहा है तो जीरो रखेंगे जब हम, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा तो इनइक्वालिटी होल्ड हो रही है. माइनस 19 लेस देन इक्वल टू 100, लेस देन 100 ही होता है ये, तो यहां इसके बीच जो वैल्यूज आएंगी लैम्डा की वो होल्ड करेंगी. तो कितनी वैल्यूज हो जाएंगी, इंटेग्रल वैल्यूज चाहिए हमें, तो ये है हमारे पास माइनस 7.1 और ये 8.1, ये 8 और यहां माइनस 7. इंटीजर्स आएंगे सारे माइनस 7 माइनस 6 माइनस 5 और यहां 8 तक, तो ये टोटल लैम्डा की 16 वैल्यू हो जाएंगी. तो 16 लैम्डास के लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड होगी एंड यहां से ऑप्शन बी करेक्ट बनेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 1/3 ऑफ मेजर एक्सिस. इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी है और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो है वो 1/3 है मेजर एक्सिस से. तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है हमारे पास, 2b² ओवर a और मेजर एक्सिस जो होगी वो 2a होगी. मेजर एक्सिस 2a होती है तो उसका 1/3 इक्वल है तो यहां ये 2a लिख देते हैं. इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं तो ये क्या बनेगा हमारे पास, बी स्क्वायर ओवर ए इज इक्वल टू ए ओवर 3 हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो रहा है तो यहां बनेगा 3b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर और रिलेशन होता है ए बी एंड ई में, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर. तो यहां से हम इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट कर लेंगे, ये रिलेशन तो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में यूज हो ही रहा है तो यहां ये बनेगा
बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3b² 1 माइनस ई स्क्वायर एंड यहां से बी स्क्वायर कैंसल आउट, 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा और ये बनेगा ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 एंड यहां 2/3 हो जाएगा, तो ई की वैल्यू आ जाएगी √2/3 और यहां से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -2 एंड -1। इस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं टू द पैराबोला और पैराबोला है y² = 4x एंड इफ अल्फा इज द एंगल बिटवीन दीज टेंजेंट्स, जो दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं उनमें अल्फा एंगल बन रहा है, हमें टेन अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो किस तरह करेंगे, टेंजेंट की जो जनरल इक्वेशन होती है पैराबोला में तो क्या होती है y = mx + a/m, a की वैल्यू यहां से ले लेंगे हम, a की वैल्यू क्या बनेगी 4a, हमें 4 दिया है, a = 1 हो जाएगा, यहां रखते हैं y = mx + 1/m हो जाएगा। टेंजेंट ड्रॉ करना है जो इस पॉइंट से करना है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये सेटिस्फाई करेगा टेंजेंट को, तो यहां वैल्यू रख देते हैं x एंड y को, -1 = -2m + 1/m और ये इक्वेशन बन जाएगी m में क्वाड्रेटिक और ये हो जाएगा 2m² - m - 1 = 0 एंड tan अल्फा की वैल्यू चाहिए। अब m जो है वो किसी भी टेंजेंट के अंदर, ये जो m है वो स्लोप है और हमें दो टेंजेंट्स हैं उनमें एंगल फाइंड आउट करना है, तो किस तरह से करते हैं ये हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में भी किया था। टेन अल्फा यहां होता है m1 - m2 1 + m1 m2 और m1 m2 स्लोप्स होती हैं दो लाइंस की, तो यहां m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, एक को m1 ले लेंगे एंड एक को m2 ले लेंगे, तो ये 2m² - 2m + m - 1 = 0 हो जाएगा। 2m m - 1 + 1 m - 1 = 0 एंड m आ जाएगा 1 एंड -1/2, ये वैल्यू हम यहां रखते हैं, tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, क्या बनेगा tan अल्फा इज इक्वल टू m1 को ले लेते हैं एंड दिस वन -1/2 m2, तो ये 1 माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 एंड 1 माइनस यहां 1/2 हो जाएगा, ये बनेगा 3/2/1/2 एंड यहां से ये 3 हमारा आंसर आ जाएगा, tan अल्फा की वैल्यू 3 हो जाएगी एंड ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनी टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स हैं टू अ पैराबोला, पैराबोला के दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स बताना है कि कहां इंटरसेक्ट करते हैं, डायरेक्ट्रिक्स पे करते हैं या फिर टेंजेंट एट वर्टेक्स या फिर एक्सिस ऑफ पैराबोला या फिर नन। तो दो टेंजेंट जो परपेंडिकुलर होंगे वो डायरेक्ट्रिक्स पे इंटरसेक्ट करेंगे, ध्यान रखना है, तो ऑप्शन ए यहां करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन 2+t² + 2+t² + 2t + 1, ये पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है, बताना है हमें पैराबोला विद फोकस एट 2-1 बनता है, पैराबोला विद वर्टेक्स 2-1 बनता है एंड इलिप्स विद सेंटर 2-1 बनता है, नन ऑफ दीज। तो ये एक्स का कोऑर्डिनेट है, ये वाई का कोऑर्डिनेट है, तो x = 2+t² एंड y = 2t + 1, तो यहां जो है t को इलिमिनेट करना है, पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है t को इलिमिनेट कर देते हैं, तो x एंड y में हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, तो वहां से देख लेंगे कि क्या बनता है, तो यहां बनेगा x - 2 = t² एंड y - 1 = 2t, तो यहां से t की वैल्यू ले लेते हैं, ये बनेगा y - 1/2, यहां हम पुट कर देते हैं x - 2 =
y माइनस वन ओवर टू ये स्क्वायर हो जाएगा और ये बनेगा y माइनस वन स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स माइनस टू, यहां ये फोर है इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पैराबोला बनेगा, यहां y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स माइनस एच हो देन ये एच के वर्टेक्स होता है पैराबोला का, तो इसका मतलब यहां टू वन वर्टेक्स हो जाएगा पैराबोला का, तो ये पैराबोला विद वर्टेक्स टू वन हो जाएगा एंड ऑप्शन बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट टू द पॉइंट पी, ये वन जीरो है एंड सेंटर दिया एंड सर्कल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो यहां ये सर्कल ले लेते हैं हम, ये जो पॉइंट है वो सर्कल पे इस तरफ ये ले लेते हैं वन जीरो, यहां कोई पॉइंट है और हमें बताना है कि जो डायामीटर यहां से जाएगा उसका दूसरा जो कॉर्नर होगा वो क्या कोऑर्डिनेट लेगा, और हमें बताना है कि जो डायामीटर यहां से जाएगा इस पॉइंट से उसका जो दूसरा कॉर्नर है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो जो भी डायामीटर होगा इस तरह ले लेते हैं, ये हम लेट करते हैं एक्स वन वाई वन है तो डायामीटर होगा तो सेंटर से तो क्रॉस करेगा ही, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं यहां से, ये इक्वेशन दे रखी है, जो सेंटर बनेगा माइनस हाफ ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स माइनस वन हो जाएगा एंड माइनस टू हो जाएगा, तो ये माइनस वन माइनस टू हुआ, ये कोऑर्डिनेट है हमारे पास ये फाइंड आउट करने हैं, तो जो सेंटर है वो मिड पॉइंट हो जाएगा, तो क्या बनेगा एक्स वन प्लस वन ओवर टू इज इक्वल टू माइनस वन, यहां से एक्स वन की वैल्यू आ जाएगी एक्स वन इज इक्वल टू माइनस टू माइनस वन, एक्स वन इज इक्वल टू माइनस थ्री एंड वाई वन की वैल्यू क्या बनेगी वाई वन प्लस जीरो ओवर टू, तो वाई वन ओवर टू इज इक्वल टू माइनस टू, वाई वन इज इक्वल टू माइनस फोर हो जाएगा, तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे पास माइनस थ्री एंड माइनस फोर एंड ऑप्शन सी यहां करेक्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।